नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार और आपकी तमाम क्वेरी इस शो में शामिल करेंगे। कुछ मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे नतीजे पर बातचीत करने के लिए। प्रसाइसली बात होगी क्यूपिड और सतलज टेक्सटाइल्स पर, जिनके अच्छे अर्निंग्स भी आए हैं और जोरदार तेजी के साथ ही दोनों शेयर्स कामकाज कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मार्केट्स का हाल देख लेते हैं। अच्छी खरीदारी आज भारतीय बाजार में दिख रही है। हालांकि आज जो क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से बहुत एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर जो डेवलपमेंट हुई उन्होंने मार्केट्स को सपोर्ट किया। बैंकरप्सी बिल पास हुआ, जिसके बाद अच्छी खरीदारी हमने बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज के सेशन में इमर्ज होते हुए देखी है। प्राइवेट हो या फिर पीएसयू बैंक्स हो, मोमेंटम पॉजिटिव आज के सत्र में। हालांकि जो सरकारी बैंक है वो अपने हायर लेवल से थोड़ा सा नीचे जरूर आए हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों में खरीदारी अभी भी कायम है। यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अच्छी मजबूती लेकर कामकाज कर रहे हैं। क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में 6 महीने के उच्चतम स्तरों पर पहुंचा है। नाइमेक्स क्रूड $46 के पार कामकाज कर रहा है और ब्रेंट क्रूड $47 के पार है। और आप देखिए इन स्टॉक्स का हाल, सुबह शेयर बाजार लाइव में इनफैक्ट हमने बात भी की थी कि ऑफशोर स्टॉक्स आज तेजी दिखा सकते हैं, वो रिफ्लेक्शन आज भी बना हुआ है। वहीं अच्छी डेवलपमेंट नहीं है एविएशन कंपनीज के लिए, इसलिए तीनों ही स्टॉक्स लाल निशान में ट्रेड करें आधा से 1% की कमजोरी के साथ। लेकिन प्लाईबोर्ड स्टॉक्स जो है वो आज एक्शन में है। मंगलम टिम्बर में 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है। इसके अलावा सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज अच्छी मजबूती लेकर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है प्लाईबोर्ड प्रोडक्ट्स पर। इसके अलावा टेक्सटाइल शेयर में जोरदार उछाल, अच्छे नतीजे साथ टेक्सटाइल के, लेकिन दूसरे शेयर में मोमेंटम बना हुआ है। अरविंद के आज नतीजे आने भी हैं, परफॉर्म कर रहे हैं शुगर स्टॉक्स। कुछ परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर है जहां पर तेजी आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखी जा रही है। साथ ही आज के सत्र में देखा है कि एग्री शेयर मोमेंटम कायम है। मोनसेंटो आप देखिए कल भी जोरदार उछाल के साथ बंद हुआ था और अब 14% ऊपर आ चुका है दिन के उच्चतम स्तरों पर। इनफैक्ट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा शारदा क्रॉप कैम, पीआई इंडस्ट्रीज, वेंकीज, एडवांटा, कुछ और परफॉर्मर्स एग्रोस्पेस। आईटी स्टॉक्स में भी मोमेंटम पॉजिटिव है आज के सत्र में, खासतौर पर जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है वहां पर मजबूती सबसे ज्यादा है। एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग लीड कर रहा है 2% की बढ़त लेकर। कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी बढ़त देखी गई है। वोल्टास एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है जहां पर हम नजर रख सकते हैं, जहां पर हमने बीते कई सेशन से कंसिस्टेंट बाइंग देखी है और 324 के लेवल्स पर भी आ चुका है। कुछ और परफॉर्मर्स हैं आपकी स्क्रीन पर या कुछ और पॉकेट्स जो आज के सेशन में चल रही हैं। फटाफट से देख लेते हैं आज आने वाले नतीजे और जो नतीजे कल आए हैं उनका असर। हालांकि लॉजिस्टिक स्टॉक्स भी हैं जहां पर आज अच्छी मजबूती देखी जा रही है। कई अहम नंबर्स आने हैं जिनमें डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क फार्मा, अरविंद टेक सॉल्यूशंस, ट्राइडेंट, छोटी कंपनियां हैं कुछ जिनके नंबर्स आज आने हैं। जाइडस वेलनेस भी उनमें शामिल है। कहीं खरीदारी है, कहीं पर सॉफ्टनेस आज के सत्र में देखी जा रही है। लेकिन अब दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। विवेक महाजन है हमारे साथ और साथ ही कुणाल बोथरा है जो आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। तरीका आपको सबसे पहले बता देते हैं, अगर आपके पास कोई भी सवाल है जो इस शो में आप पूछना चाहते हैं तो हमें फटाफट से अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए, नाम लिखिए, अपने शेयर का नाम लिखिए और व्हाट्सएप कर दीजिए 7400240 पर। पहले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं समुचित भगत नागपुर से। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम, मेरे पास एसबीआई का 300 शेयर है 198 पे, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, कितना समय आप रुक सकते हैं? सॉरी, कितने टाइम? एक दो महीना रुक सकता हूँ मैम। ठीक है मिस्टर महाजन, गुड मॉर्निंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, महज 2 महीने ये रख सकते हैं, पर फिर भी मैं ओवरऑल आपके कमेंट्स जानना चाहती हूँ पूरी बैंकिंग पर, कीपिंग इन माइंड कि बैंकरप्सी बिल, मच अवेटेड बिल फाइनली राज्यसभा में कल पास हुआ है और आज अच्छा मोमेंटम सभी बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखा जा रहा है, क्या करना चाहिए इनको एसबीआई में? जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें हमने देखा है कि दी एसेट क्वालिटी इज वन ऑफ दी वर्स्ट। वी आर नॉट श्योर व्हाट इज दी सॉर्ट ऑफ स्टिल दी नंबर्स व्हिच कुड कम आउट। The bankruptcy bill passing is definitely a step in the right direction, but nevertheless, we believe the presence in such stock should not be there at all. Actually, ये जो time पे उछाल देखा जा रहा है, that should be used as an exit opportunity. Maybe इनका जो price है वो immediately achieve ना हो, loss भी book करना पड़े तो एक दो दिन में इनको position में से exit कर लेना चाहिए. Kotak bank will be a much better bank जिसमें invest करके long term रखा जा सकता है। तो मिस्टर महाजन मानते हैं एग्जिट कीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, भले आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर खरीदना ही बैंकिंग स्पेस है तो कोटक महिंद्रा बैंक शेयर है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ शैलेशा सोनी मौजूद है जयपुर से। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सोनी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? लग रहा है इनसे बातचीत नहीं हो पा रही। अगेन इनका जो सवाल है वो बैंकिंग स्टॉक्स पर ही है, वो है एक्सिस बैंक। 25 शेयर इनके पास, 410 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। और कुणाल गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट अच्छा रन अप इस स्टॉक में हमने बीते कुछ सेशंस में देखा है, कल भी अच्छा चला था और आज भी स्ट्रांग मोमेंटम में है। इनके परचेसिंग प्राइस से ऊपर आ चुका है, ये मुनाफा लेकर बाहर आ जाए या फिर होल्ड रखे एक्सिस बैंक? जी
जी गुड मॉर्निंग दीपाली. यू नो मेरे अनुमान से आई थिंक होल्ड कर सकते हैं बिकॉज यू नो काफी सारे प्राइवेट सेक्टर नेम्स है, येस बैंक, इंडसइंड और कोटक बैंक, जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दिया. बट एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, अब वो कैचअप कर रहा है. तो यू नो बहुत अच्छा यू नो ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक बनते जा रहा है. यू नो स्टॉक ऑलरेडी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है. तो मेरे अनुमान से आई थिंक यू नो अगर उनका नजरिया 3 से 6 महीने का है तो यू नो आई बिलीव यू नो 600 का भी एक यू नो पोटेंशियल टारगेट बन सकता है एक्सिस बैंक में. यू नो टारगेट अपसाइड के हिसाब से यू नो 15-20% और फर्दर मिल सकता है. तो आई वुड सजेस्ट के होल्ड कीजिए. अगर करेक्शन भी आता है स्टॉक में और अगर शायद वापस 465-470 के आसपास भी आता है तो एवरेज कर सकते हैं वो लेवल पे. तो होल्ड करने की सलाह है. एक्सिस बैंक अभी 503 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है. अगले कॉलर अभिषेक है हमारे साथ फोन लाइन पर भिवाड़ी से. अभिषेक गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? चलिए अभिषेक की क्वेरी ले लेते हैं. फोन लाइन उनकी डिस्कनेक्ट हो गई है. तीन स्टॉक्स पर मिस्टर महाजन वहां पे कमेंट्स लेना चाहते हैं. एक तो क्यूपिड, यहां पर जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 423 का है. हायर लेवल्स पर इन्होंने खरीदा हुआ है शेयर, अभी 293 पर ट्रेड कर रहा है. लेकिन इफेक्ट ये भी है कि कंसिस्टेंट कई क्वार्टर से कंपनी परफॉर्म कर रही है और जो क्वार्टर फोर के नंबर्स हैं वो एक्सेप्शनल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं. दूसरा है पीसी ज्वेलर्स, जहां पर परचेजिंग प्राइस 460 का है. और तीसरा स्टॉक है ट्राइडेंट का, अर्निंग्स आने हैं ट्राइडेंट के, इनफैक्ट 61 का परचेजिंग प्राइस है. तीनों ही शेयरों में क्या स्ट्रैटेजी आप रिकमेंड करेंगे? क्यूपिड में इनका शायद एंट्री प्राइस बहुत ऊपर है. द कंपनी हैज कम आउट विद फैंटास्टिक नंबर्स. वी बिलीव द सेम सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस मे नॉट बी रिपीटेड इन 2017, बट डेफिनेटली इट विल बी मच बेटर देन लॉट ऑफ कंपनीज इन द मार्केट प्लेस. स्टॉक एट दिस लेवल बेचना तो नहीं चाहिए, पोजिशन बनाए रखनी चाहिए. लगता है कि दिस स्टॉक होल्ड्स गुड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल. As far as PC jewelry is concerned, we believe the space as a whole is impacted big time, partly on account of the government regulations, partly on account of the new tax norms that have been imposed over there. Any upside, use that as a option to exit out of PC jewelers, even if we are to book loss. Our third stock, sorry, I am not Trident, getting the name. Trident. Yeah, Trident is emerging to be a very strong company in the textile space, particularly in the towel area. The exports as far as the company is concerned is increasing. The stock has a potential to deliver 25-30% CAGR return over the next 2-3 years. Hold on to the position. जी, तो ट्राइडेंट और क्यूपिड इन दोनों शेयरों में आप बने रह सकते हैं. एग्जिट करने की सलाह है पीसी ज्वेलर्स से. अगले कॉलर हमारे साथ प्रतिमा है मुंबई से. प्रतिमा गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना. गुड मॉर्निंग, मेरे पास 100 शेयर हैं वोल्टास के जी. 50 शेयर मैंने खरीदे थे एट द रेट ऑफ 294 एंड 50 खरीदा था 254. अच्छा ट्रेड करा है, बट आई वांट टू नो कि मैं इसको होल्ड करूं या सेल करूं. और एक और है एडलेब्स के बारे में. ठीक है, एडलेब्स में आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? 100 शेयर परचेज प्राइस 102. ठीक है, आपको दोनों पर कमेंट दिलवा देते हैं. कुणाल, पहले तो वोल्टास, दो लेवल्स पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए, एक तो 294 के लेवल पर और दूसरा परचेजिंग प्राइस इनका 254 का. और अच्छे प्रॉफिट्स पर ये बैठी भी है. हमने देखा भी है कि 220 लेवल से इसने एक कंसिस्टेंट मूव दिया है और अब 324 तक आ चुका है. 100 रुपए का एक वन वे मूव स्टॉक ने दिया है. और दूसरा है एडलेब्स, यहाँ पर परचेजिंग प्राइस इनका 102 रुपए का. क्या करें दोनों शेयरों में? आई थिंक दोनों में यू नो मेरा व्यू कॉन्ट्रास्टिंग रहेगा बिकॉज वोल्टास का चार्ट अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है. यू नो शॉर्ट टर्म के नजरे से नहीं देखे, अगर इनको इनको आप अगर 6 महीने, साल भर या यू नो 2 साल या 3 साल के नजरे से भी देखें तो एक अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है स्टॉक. और यू नो काफ़ी सारे यू नो करेक्शन होने के बाद भी इस स्टॉक में मोमेंटम अभी बरकरार है. तो मेरे अनुमान से अगर आपका यू नो नज़रिया यू नो 6 महीने या साल भर से ज़्यादा है तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली होल्ड वोल्टास. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल लग रहा है कि मिड कैप यूनिवर्स में से ये बहुत ही यू नो स्ट्रॉन्ग यू नो आउट परफॉर्मर हो सकता है आने वाले सालों में. एडलेब्स की जब बात करें तो आई थिंक यू नो काफ़ी यू नो कॉन्ट्रास्टिंग चार्ट है बिकॉज स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में ही है. तो यू नो अगर आप इसको एग्जिट कर सके तो यू नो बेटर रहेगा बिकॉज मुझे पोटेंशियल यू नो स्टॉक में ज़्यादा नहीं लग रहा आने वाले कुछ एक दिनों में. तो नुकसान भले ही और आपको एडलैब से, लेकिन एग्जिट करने की सलाह है कुणाल की ओर से. लेकिन वोल्टास आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी होल्ड कर सकती हैं. इस बीच कुछ मोमेंटम स्टॉक्स को देख लेते हैं. एक आप देखिए मोनसेंटो को, जो की शुरुआत में भी हमने शेयर का जिक्र किया था, दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी स्टॉक आ चुका है 14-15% की बढ़त लेकर. इनफैक्ट कल फास्ट मनी शो में भी ये बताया गया था, सुपर हिट शेयर के तौर पर मनीष ने लिया था. कल भी ये 17% चला और आज भी 15% का मूव ऑलरेडी दे चुका है. 32% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है जिसको सुपर हिट शेयर के तौर पर लिया गया था फास्ट मनी शो में. और इनफैक्ट हर रोज 7:30 से
चार्ट के दौरान हम चुनिंदा 20 ऐसे ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताते हैं जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से नजर रखी जा सकती है। और मोनसेंटो अब दिन को उच्चतम स्तर पर आ चुका है और 16% से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। आज इनफैक्ट पूरे ही एग्री स्टॉक्स में बाइंग हमने आज के सत्र में देखी है, लेकिन लीड उसको डेफिनेटली कर रहा है मोनसेंटो, जहां पर 17% का उछाल अभी भी बना हुआ है, 345 रुपए की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। कुछ और क्वेरीज को शामिल करते हैं अब शो में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनफैक्ट एक एसएमएस ले लेते हैं। और ये एसएमएस हमारे पास राहुल का गुजरात से सेंचुरी प्लाईबोर्ड पर, 700 शेयर है इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 166 रुपीज का है। मिस्टर महाजन, सेंचुरी प्लाई आज इनफैक्ट प्लाईबोर्ड स्टॉक्स में हमने खरीदारी देखी भी है, मंगलम टिम्बर हो, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज हो या फिर सेंचुरी प्लाईबोर्ड ही क्यों ना हो, और इस तरह की खबरें भी है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। एग्जैक्टली अभी स्ट्रेटेजी इस पूरे स्पेस पर क्या, सेंचुरी प्लाई पर प्रसाइसली इनको क्या करना चाहिए? जो एंटी डंपिंग की बात की जा रही है, इट हैज बीन देयर इन द मार्केट फॉर सम टाइम। यस, दैट मूव विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। वी आर सीइंग द प्लाईवुड कंपनीज कमिंग ऑफ एज एंड दे आर डिलीवरिंग वेरी सुपीरियर नंबर्स, और अगर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी साथ में आ जाता है तो दैट विल बी अ सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव स्टेप फॉर द सेक्टर एज ए होल, एंड वी कुड सी ए रीरेटिंग इन नियर टर्म। स्टॉक में पोजिशन बनाए रखनी चाहिए। दिस स्टॉक इज अ पोटेंशियल टू गो टू 210 to 220 इन नेक्स्ट 6 months to 9 months टाइम। होल्ड करने की सलाह है, 210 से 220 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं सेंचुरी प्लाई में अगले 6 से 8 महीने में, ऐसा मिस्टर महाजन मानते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं साजिद महाराष्ट्र से। साजिद, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है और इनका क्वेरी ले लेते हैं। इनफैक्ट सवाल इन्होंने भेजा है, भारतीय एयरटेल पर 2400 शेयर हैं और परचेजिंग प्राइस है 370 का। आज भारतीय एयरटेल इनफैक्ट खबरों में भी है, मुंबई में अपने जो डाटा पैक के चार्जेस हैं उसमें 30% जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज किए हैं कंपनी ने। स्टॉक दबाव में है, कल भी टूटकर बंद हुआ था 2%, 356 पर ट्रेड कर रहा है। कुणाल, नुकसान हो रहा है इनको करीब करीब 10-14 रुपए के आसपास का, क्या करना चाहिए भारतीय एयरटेल में? देखो, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक है लार्ज कैप स्पेस में जिसमें ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसको नज़रिए से देखें करीबन 6 months, 1 year या 3 years के हिसाब से भी, तो स्टॉक ने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। आई थिंक 2009-2010 से ये स्टॉक एक 150-170 पॉइंट के बैंड में मूव कर रहा है। तो ऐसा मुश्किल लग रहा है कि स्टॉक आने वाले कुछ एक क्वार्टर्स में भी शायद एक ब्रेकआउट दे, ऐसा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक अगर अपने कॉस्ट प्राइस के आसपास अगर आ जाए स्टॉक और जितना लॉस अगर कम हो सके तो एग्जिट करें तो बेटर है। मेरे अनुमान से आई थिंक ये स्टॉक में ज़्यादा देर तक इन्वेस्ट करना वुड नॉट बी एडवाइजेबल बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच द इन्वेस्टर इज लूजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जिट करने की सलाह है भारतीय एयरटेल से कुणाल की ओर से। अगले कॉलर हमारे साथ है जेआर प्रजापत जोधपुर से। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरे पास वाणिज्य इंजीनियरिंग है अभी 3000 से, और परचेसिंग प्राइस क्या आपका इसमें? 31.50 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और दूसरा शेयर कौन सा आपके पास? अबान ऑफशोर है जी। और यहाँ खरीद भाव क्या है? 217 रुपए है, 500 से। ठीक है मिस्टर महाजन, वलेशा इंजीनियरिंग 31.50 रुपए पर इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं और स्टॉक बीते 6 months, 8 months, 1 year में अगर देखें तो कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड में ही है। नुकसान इसलिए इनको हो रहा है थोड़ा सा, हालांकि इन्होंने लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश की है, क्या करें यहाँ पर? दूसरा स्टॉक है एबन ऑफशोर। जब जब क्रूड उछलता है इंटरनेशनल मार्केट में तब तब इन स्टॉक्स में खरीदारी दिखती है, वो रिफ्लेक्शन आज भी बना हुआ है पूरे ऑफशोर स्पेस में। 213 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इनका परचेजिंग प्राइस 217 का है, क्या करें? Both these stocks, they do not hold very strong fundamentals. As far as Aban Offshore is concerned, आपने सही कहा कि जब जब क्रूड उछलता है तो इसके स्टॉक में थोड़ी सी उछाल देखते हैं, बट nevertheless, we do not see a significant uptick as far as crude is concerned. We believe the service providers like Aban Offshore will remain under pressure and definitely it will be prudent to exit out of this stock even if we have to book loss. As far as Valecha is concerned, again the fundamentals as far as the stock is concerned are not very strong, prudent to exit out of this stock. Another stock जो अच्छा लगता है ये space में, that is ITD cementation. Stock 130 के आसपास quote कर रहा है, at current level or any decline उसमें add करना चाहिए, that will deliver a far superior return. एक SMS ले लेते हैं, पर सवाल जो आपके सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अगला जो SMS है वो है हमारे पास
लाहिर शाह का कच से मोल्टिक पैकेजिंग पर इनकी क्वेरी है। 15 शेयर्स इनके पास, क्वांटिटी कम है लेकिन जो परचेजिंग प्राइस है स्टॉक में वो है 280 रुपीज का। इनफैक्ट कुणाल क्या करना चाहिए मोल्टिक पैकेजिंग में, अभी 77 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, शायद पुरानी खरीद है इनकी तभी इनको इतना नुकसान हो रहा है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि पैकेजिंग स्टॉक्स में प्रसाइसली बीते एक दो महीने में हमने काफी एक्शन देखा है, क्या स्ट्रेटेजी अभी आप इनको रेकमेंड करेंगे? जी आई थिंक यू नो इसके चार्ट्स यू नो शॉर्ट टर्म के नजरिए तो काफी यू नो ओके लग रहे हैं। मेरे अनुमान से आई थिंक होल्ड करे तो बेटर है आने वाले कुछ एक दिनों में। यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि जब ये निफ्टी का साइकोलॉजिकल 8000 ब्रेक होगा और अगर दोबारा एक अप ट्रेंड यू नो शुरू होगा तो काफी सारे ये जो मिड कैप स्मॉल कैप नेम्स है ये भी अपने यू नो लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स में वापस यू नो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आ जाएंगे। तो मेरे अनुमान से आई थिंक होल्ड कर सकते हैं अगर आपका नजरिया 3 से 6 महीने या उससे ज्यादा है तो। जी चलिए आपको दिखिए, इस बीच आप एक स्टॉक को देखिए अशोका बिल्डकॉन को, ये स्टॉक लाल निशान में था लेकिन अभी अभी एक तेजी स्टॉक में बनी और अब दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है। दरअसल खबर थी कि आईटी विभाग से करीब 490 करोड़ की पेनल्टी कंपनी पर लगी है और अब मैनेजमेंट ने इन खबरों का खंडन किया है और इसीलिए स्टॉक में एक जोरदार मोमेंटम आया। एक बार देख लेते हैं अशोका बिल्डकॉन को अभी किस तरह का रिफ्लेक्शन देखा जा रहा है, लेकिन दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी शेयर आ चुका है 4 से 5% की बढ़त लेकर। अब देखिए एकाएक स्पाइक आया है और 3.25% की मजबूती लेकर ट्रेड कर रहा है। नेगेटिव न्यूज फ्लो था लेकिन उन खबरों का खंडन हुआ मैनेजमेंट की ओर से, जिसके बाद एक जोरदार तेजी शेयर में इमर्ज होती हुई दिखी है। कुछ और क्वेरीज को ले लेते हैं और एक और SMS है हमारे पास और ये है राहुल त्रिवेदी का गुजरात से। ग्लेनमार्क फार्मा पर इनका सवाल है, 100 शेयर हैं, परचेजिंग प्राइस है इनका ग्लेनमार्क फार्मा में 166 का। आज नतीजे भी आने हैं ग्लेनमार्क फार्मा के, रेवेन्यू फ्रंट पर तो एक म्यूटेड या फिर कह सकते हैं फ्लैटेश नंबर ही प्रोजेक्टेड है लेकिन स्टॉक अभी 863 पर आ चुका है। 166 इन्होंने मेंशन किया है परचेजिंग प्राइस, तो या तो इनकी काफी पुरानी खरीद है या फिर जो परचेजिंग प्राइस इन्होंने मेंशन किया है उसमें कुछ एरर। लेकिन अगर इसके अब तक के मैक्सिमम प्राइस एक्शन को देखें तो हो सकता है इन्होंने लिया हो। मिस्टर महाजन 166 का प्राइस इन्होंने मेंशन किया है तो हो सकता है कि इनकी काफी साल पुरानी खरीद हो और अगर ऐसा है तो अभी तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर बैठे हैं, ये मुनाफा लेकर निकल आए या फिर होल्ड रखें? जो Q4 नंबर्स हैं नॉट मच एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दोज नंबर्स, बट 2017 इज लाइकली टू बिलोंग टू ग्लेनमार्क फार्मा। वी सी ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑन ए YOY बेसिस एंड दिस स्टॉक कुड गो बाई कुड गो इन टू 4-digit लेवल। इनकी एंट्री प्राइस बहुत ही अच्छी है, पोजिशन बनाए रखने चाहिए, बेचने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जी होल्ड करने की सलाह है ग्लेनमार्क में, भले ही आप स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। क्यूपेड अभी हम बातचीत कर भी रहे थे कुछ देर पहले, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं और अभी इन्हीं अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए मिस्टर ओम गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन एंड MD क्यूपेड के। हालांकि अगर नंबर्स देखें तो जो नेट प्रॉफिट है वहां पर एक जोरदार उछाल आया है, 265% का इम्प्रूवमेंट दिखा है, ऑपरेटिंग इनकम भी 40% इम्प्रूव हुई है और जो EBITDA है वहां पर भी 121% का इम्प्रूवमेंट दिखा है। मिस्टर गर्ग गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। हालांकि बीते इस पूरे साल जो क्वार्टर्स गए हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ही क्यूपिड की रही है लेकिन इस बार का जो क्वार्टर रहा है वहां पर एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कंपनी की ओर से आई है, एग्जैक्टली जो ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं वो कौन से रहे हैं? आगे चल के भी यही ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक एंड रिलेटिवली हाई मार्जिन ऑर्डर्स, both these are contributing to the better bottom line. जी मिस्टर गर्ग अभी ऑर्डर बुक वैल्यू करंट कहाँ स्टैंड करती है और कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज या फिर कितना इंक्रीज आप इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी ऑर्डर बुक में देख रहे हैं, क्योंकि आपने प्रिसाइसली मेंशन किया कि हाई मार्जिन ऑर्डर होते हैं क्योंकि आपके बुक्स पर? अभी राइट नाउ हमारे पास जो टेंटेटिव ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 65 करोड़ की है और ड्यूरिंग द ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर ऑर्डर एंड देन फाइनल नंबर विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी दीज ऑर्डर वी कैन एग्जीक्यूट ऑन टाइम। जी जी जी, लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव या फिर कहें एक रफ आइडिया आप दे सके कि कितना इंप्रूवमेंट आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 65 करोड़ से बढ़कर ये ऑर्डर बुक कहां पहुंच सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में? और दूसरी चीज, अभी करंट मार्जिन जो आप एंजॉय करते हैं इन ऑर्डर्स पर वो किस रेंज में रहते हैं? नहीं वो वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द परफॉर्मेंस वी डिड इन दिस क्वार्टर एंड द एंटायर ईयर। हाउएवर लॉट विल डिपेंड ऑन द
international funding availability, okay, and also the actual execution of these orders during the year. जी 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 अभी इस क्वार्टर में ओवरऑल मार्जिन्स कैसे रहे हैं? स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स रहे हैं, लेकिन प्रिसाइज नंबर क्या रहा है? नहीं, इस साल इस लास्ट क्वार्टर में अवर एबिटा मार्जिन वाज 48% एंड फॉर द एंटायर ईयर द मार्जिन वाज 43%. ओके, तो इम्प्रूवमेंट दिखा यानी उस फ्रंट पर भी 43% से बढ़कर 47% के आसपास रहे हैं. तो क्या अगर अब इस रनिंग क्वार्टर की बात करें तो ऑर्डर फ्लोज यहाँ पर आते हुए दिखे हैं जिसका रिफ्लेक्शन अब नेक्स्ट अर्निंग्स पर दिख सकता है? अभी तो कैर वी आर ऑन द मिडिल ऑफ दिस फर्स्ट क्वार्टर, सो वी रियली डोंट हैव अ प्रिसाइज एस्टिमेट, बट अगेन हम यही मेंटेन करना कि टारगेट है, वील सी व्हाट द नंबर्स कम ऑन June 30th. जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर गर्ग बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स. मिस्टर गर्ग को आपने सुना, काफी आश्वस्त है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने इस पूरी फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन की है वो आने वाले समय भी मेंटेन रखेंगे. 47% के आसपास के मार्जिन्स कंपनी के रहे हैं और जो भी ऑर्डर्स होते हैं कंपनी के वो हाई मार्जिन ऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अब तक मेंटेन की है और आगे भी कंपनी मेंटेन रखेगी. स्टॉक अभी 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है. एक और SMS ले लेते हैं और हम जो अगला सवाल है वो है धनंजय का महाराष्ट्र से. C8 पर इनकी क्वेरी है. 200 शेयर है इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 1060 का है. अभी हालांकि टायर स्टॉक्स की बात करें तो अपोलो टायर्स के अर्निंग्स आए थे कल और अभी भी जो रेवेन्यू ग्रोथ है या फिर कह सकते हैं कि जो मार्जिन ग्रोथ को लेकर कंसर्न है वापस इमर्ज हुए इस पूरे स्पेस को लेकर. मिस्टर महाजन, अपोलो टायर्स ने के जो नंबर्स आए उन्होंने हर पैरामीटर पर डिसअपॉइंट किया. अब रबर प्राइसेस का भी जो कंफर्ट मिल रहा था इन कंपनी को वो भी कम हो गया है और ऑलरेडी वॉल्यूम ग्रोथ एक कंसर्न बना हुआ है. अभी करना क्या चाहिए टायर स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को और प्रिसाइसली C8 यहाँ क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? एक्चुअली जो टायर स्टॉक के रिजल्ट हैं वो मिक्सड हैं. एग्रीड अपोलो टायर का नंबर वॉज वेरी बैड. एट द सेम टाइम वी सॉ TVS श्री चक्रा कमिंग आउट विद द गुड नंबर्स. द प्रॉब्लम विद द स्पेस इज डंपिंग बाई चाइना विच इज क्रिएटिंग अ स्केयर एंड यू राइटली स्पोक अबाउट द रॉ मटेरियल प्राइसेज विच जहाँ जो कम्फर्ट फैक्टर है वो निकल चुका है. As far as automobile space is concerned, we believe a robust growth to continue from the automobile space in the current year as well. अगर उसमें growth अच्छा आता है तो definitely tyres sector में अच्छा growth आएगा. Moreover, the replacement demand will continue to remain robust. C8 में position बनाए रखनी चाहिए, maybe 980 का stop loss. The stock has a potential to go back to 1100 plus level in next 3 to 6 months time. होल्ड करने की सलाह है सीएट. अभी हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है विद अ पॉजिटिव बायस. और SMS जो हमें मिले हैं वो मिले हैं हमें नवीन फ्लोरो पर. काफी सारे SMS आए हैं. इनफैक्ट पूरा जो केमिकल सेगमेंट है वो लाइमलाइट में रहा भी है बीते 1.5 महीने में. सवाल है यहाँ पर तुषार का गुजरात से. नवीन फ्लोरो पर 25 शेयर इनके पास जो परचेसिंग प्राइस है वो 167 का है. 1667 का है इनफैक्ट. क्या करना चाहिए कुणाल? अच्छे प्रॉफिट्स पर ही बैठे हैं नवीन फ्लोरो में और जो केमिकल सेगमेंट है वो लगातार हमने देखा है कि ट्रेडर्स हो या फिर इन्वेस्टर्स हो सबके रडार पर रहा है. मुनाफा समेट लें यहाँ पर या फिर होल्ड रखें? जी आई थिंक थोड़ा मुनाफा समेट सकते हैं यहाँ पे, बट आई थिंक ट्रेंड काफी अच्छा है स्टॉक का. लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी अच्छा है. आने लास्ट 3 या 4 सालों से आई थिंक 2012-13 में जब वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ नवीन फ्लोर में 200 के आसपास से, तो आई थिंक 10 टाइम्स हो चुका है स्टॉक. ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. वॉल्यूम एक्युमुलेशन अभी भी पैटर्न स्ट्रॉन्ग है. तो अगर पार्ट प्रॉफिट करके आप होल्ड कर सके तो अच्छा है. मेरे अनुमान से आने वाले कुछ क्वार्टर्स में और ज़्यादा प्राइस परफॉर्मेंस प्राइस अप्रिसिएशन मिल सकता है स्टॉक में. जी तो पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं नवीन फ्लोरो. जो सवाल है अगला वो है सुनील कुमार का गुजरात से. यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 25 शेयर्स इनके पास और जो परचेसिंग प्राइस है वो 2440 का है. मिस्टर महाजन, यूनाइटेड स्पिरिट्स खबरों में लगातार रहा है लेकिन बीते कुछ सत्रों से प्रिसाइसली इसमें हम लगातार खरीदारी देख रहे थे. आज थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है लेकिन अभी भी 2674 पर ट्रेड कर रहा है, यानी जो ये इन्वेस्टर है इनके परचेसिंग प्राइस से ऊपर है. मुनाफा लेकर निकल आए या फिर होल्ड रखें? देखिए जो ये स्पेस देख रहे हैं उसमें लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूज आर कमिंग. यस, ऑन द पॉजिटिव साइड द डिमांड फॉर IMFL इज इंक्रीजिंग एंड यूनाइटेड स्पिरिट इज अ लीडर इन दैट स्पेस. बट एट द सेम टाइम वी आर हियरिंग रिपोर्ट्स अबाउट लॉट ऑफ स्टेट्स पुटिंग अ बैन ऑन लिकर ट्रेड विच शुड बी सीन एज नेगेटिव एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न. ऑल्सो द
government has been increasing the duties, which is putting a cap. But nevertheless, ये stock में position बनाए रखनी चाहिए. इनका entry position काफी अच्छा है. The stock has a potential to go to 3000 plus level. वहाँ पर view लेना चाहिए कि रखना है कि बेचना है. जी. चलिए एक और सवाल ले लेते हैं और ये सवाल है आईसीआईसी बैंक पर अमरजीत का हैदराबाद से. 300 शेयर्स इनके पास, खरीद भाव है 226 रुपए का. क्या करना चाहिए कुणाल आईसीआईसी बैंक में? जी आई थिंक होल्ड कर सकते हैं. यू नो भले ही स्टॉक में ट्रेंड नहीं है बट अगर आपका नजरिया ट्रेडिंग का है तो मेरे अनुमान से होल्ड कर सकते हैं. स्टॉक यू नो मार्जिनल यू नो ऊपर है आपके कॉस्ट प्राइस से, तो मेरे अनुमान से अगर आप ट्रेडिंग का नजरिया रख रहे हैं तो 240-242 के आसपास यू नो अगर स्टॉक मिले आने वाले दो या तीन दिनों में तो आई थिंक वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. जी चलिए इसके अलावा जो अगला सवाल है वो है हमारे पास हेल्थ केयर ग्लोबल पर. योगेश का महाराष्ट्र से, 200 शेयर इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 180 रुपीज का. रिसेंट लिस्टिंग है हेल्थ केयर ग्लोबल, अभी 180 के भाव पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं. स्टॉक 177 पर ट्रेड कर रहा है. मिस्टर मार्जिन थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इनको, इनफैक्ट इनके परचेजिंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. क्या करना चाहिए? वी डोंट हैव टू मच कॉन्फिडेंस एज फार एज दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज कंसर्न्ड. शायद 2-3 रुपए का इनको नुकसान है. पोजीशन में से निकल जाना चाहिए एंड लुक फॉर सम बेटर इन्वेस्टमेंट आइडिया. एग्जिट करने की सलाह है हेल्थकेयर ग्लोबल से. अगला सवाल है दीपक का पंजाब से, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर. यहाँ पर 100 शेयर्स इनके पास है, जो परचेसिंग प्राइस है 147 रुपीज का है. कुणाल क्या करना चाहिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में? 147 रुपए की इनकी खरीद है और स्टॉक उन्हीं लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है. क्या करें अभी? जी आई थिंक होल्ड कर सकते हैं. यू नो स्टॉक अपने करेक्टिव फेज में यू नो लास्ट 6-8 महीने से ट्रेड कर रहा है. आई थिंक यू नो 200 का जो एक यू नो 2015 के आसपास का जो हाई मारा उसके बाद ऑलमोस्ट एक 25-30% की करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में. और ऐसा लग रहा है कि यू नो मार्केट के साथ ये स्टॉक भी यू नो मिड कैप यूनिवर्स में से अपने अप ट्रेंड यू नो बिगिन करने की यू नो इंडिकेशन दे रहा है. तो मेरे अनुमान से आई थिंक होल्ड कर सकते हैं. अगर आपका नजरिया 3-6 महीने का है आई बिलीव 180-185 कुड बी अ गुड टारगेट ओवर द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स. जी तो होल्ड करने की सलाह है एक्साइड इंडस्ट्रीज, अभी 147 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है. एनआईटी लिमिटेड पर है अगली क्वेरी साहिल की पंजाब से. 170 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 81 रुपीस का. अभी इस हफ्ते अर्निंग्स भी आए थे मिस्टर महाजन, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, लेकिन शेयर इन्हीं के परचेजिंग प्राइस पर ट्रेड कर रहा है. क्या करें अभी? Yes, the earnings were good as far as the company is concerned, but we do not have too much confidence on the stock. It would be prudent to exit out of the stock. Some better investment idea could be Mindtree or a persistent system. जी, 81-80 पर अभी ट्रेड कर रहा है 0.8% के गेंस के साथ. पीटीसी फाइनेंशियल पर है एक क्वेरी. यहाँ पर 2000 क्वांटिटी है इनके पास, जो परचेसिंग प्राइस है वो 59 रुपीज का है. कुणाल पीटीसी फाइनेंशियल में यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी आप रेकमेंड करेंगे? 39 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, काफी नुकसान हो रहा है इनको क्योंकि इनके परचेसिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 20 रुपए नीचे भी स्टॉक आ चुका है. क्या करें? आई थिंक मेरे अनुमान से आई थिंक एवरेज कर सकते हैं. एक यू नो भले इसकी चार्ट हिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं है, आई थिंक लास्ट 4-5 ईयर्स की चार्ट हिस्ट्री है, बट यू नो जो यू नो अप ट्रेंड ये स्टॉक में आया था आई थिंक 2014 के आसपास, आई थिंक उसके बाद एक करेक्शन फेज आ चुका है. अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि वापस एक प्रोसेस बिगिन हो रहा है एक अप ट्रेंड का. वॉल्यूम्स एक्युमुलेशन अगर हम पैटर्न देखें शॉर्ट टर्म में तो यू नो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बनते आ रहा है. तो मेरे अनुमान से अगर आप यू नो इसको एवरेज कर सके, आपकी कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए और इसको होल्ड कीजिए आने वाले 2-3 सालों में, आई थिंक बहुत अच्छा पोटेंशियल बन सकता है कैंडिडेट. जी चलिए रैप को दी गई है, स्टॉक अभी 39.90 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 0.5% के गेंस के साथ. लेकिन अब यहां से रुक करेंगे हमारे खास सेगमेंट का एनपी एक्सपोजे. और एनपी एक्सपोजे में हम रोजाना ऐसी कंपनियों पर बातचीत करते हैं या फिर ऐसी कंपनियों का खुलासा कर रहे हैं जिन्होंने बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया लेकिन रकम नहीं लौटा. इस इन्वेस्टिगेटिव सीरीज में हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई ये कंपनियां इस हालत में नहीं है कि लोन लौटा सके, क्या ये एक प्लान्ड साजिश है. इनफैक्ट अब तक जिन जिन कंपनियों की हमने बातचीत की उसमें लिलीपुट किड्स वेयर, डीएसए लिमिटेड, जी इस्पात और सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज, विंसम डायमंड समेत कई सारी कंपनियां रही हैं. लेकिन आज एक और कंपनी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसने कर्ज तो लिया बैंक से लेकिन चुकाने के लिए तैयार नहीं. इस कंपनी के हालात हैं कैसे, क्या ये लोन चुकाने के लिए सक्षम है या नहीं. अहमदाबाद से मेरे सहयोगी केतन जोशी मौजूद हैं. केतन बताइए कौन सी कंपनी है आज?
दीपाली, अहमदाबाद की चार कंपनी है जिनमें से दो कंपनी कैपिटल मार्केट में लिस्टेड है। ये चार कंपनी का कुल बैंकों का बकाया है 3,000 करोड़ से अधिक का। और जो कैपिटल मार्केट में कंपनी है वो है इलेक्ट्रोथम इंडिया, जिनके ऊपर भी 2200 करोड़ का कुल बकाया है। उसके बाद रेनबो पेपर है, फिर साई इन्फो सिस्टम है, और चौथी कंपनी सेल एंड पेल। आखिरकार ये कंपनी क्या कर रही थी और उनकी वित्तीय हालत कैसी है, ये हम बताएंगे इस अपनी खास रिपोर्ट में। अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे ये लोग किसी के खिलाफ मोर्चा खोलने नहीं उतरे हैं। ये लोग इलाहाबाद बैंक के कर्मचारी हैं, जो कंपनियों से लोन वापस की अपील करने उतरे हैं। लोन वापसी की अनूठी मुहिम में पहुंचे हैं रेनबो पेपर्स के ऑफिस। इस कंपनी पर कुल 900 करोड़ का लोन बकाया है, जिसमें इलाहाबाद बैंक का 160 करोड़ है। कंपनी के मालिक अजय गोयन का दफ्तर में नहीं मिले तो वहाँ के कर्मचारी को ही गुलाब का फूल पकड़ा कर लौट आए। उनका जवाब देने के लिए इसके बाद काफी लाभ बढ़ चला। दूसरी डिफॉल्टर कंपनी शेल एंड पर्ल की ओर, यहाँ भी कंपनी के मालिक नदारद, कंपनी पर कुल 206 करोड़ का लोन है। इसमें इलाहाबाद बैंक की हिस्सेदारी करीब 50 करोड़ है। कमलेश भाई, आखिरकार ये डिफॉल्ट होने की क्या वजह क्या है? अभी क्या ये सिरामिक में स्लो डाउन चल रहा है, 50 करोड़ का जो डिफॉल्ट है? मैं तो इतना, मेरे को इतना नॉलेज नहीं इस चीज़ फील्ड में। अभी तो डायरेक्टर्स और कोई है नहीं अभी अवेलेबल, स्टाफ में भी कमी है। अभी तो बिजनेस कर रही है, बिजनेस में तो ये सब चीज़ें प्लस माइनस होते रहता है, अप एंड डाउन स्लो डाउन सब आता रहता है। तो इसमें मैं ज़्यादा एनालाइज नहीं कर सकता हूँ कि क्या है मतलब। इन दोनों कंपनियों के बाद कर्मचारियों का काफी लाभ बढ़ चला। तीसरी और सबसे बड़ी डिफॉल्टर कंपनी इलेक्ट्रोथर्म की ओर, कंपनी पर कुल 2,200 करोड़ का कर्ज है, जिसमें इलाहाबाद बैंक का 440 करोड़ शामिल है। बैंक कर्मचारियों का इतना बड़ा काफिला देखते ही कंपनी का गेट बंद कर लिया गया। बात करने की कोशिश की गई तो क्या जवाब मिला, सुनिए। यहाँ पर पूरा का पूरा सबका सैलरी हो रहा है, सिक्योरिटी का सैलरी हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर बैंकों का इतना कर्ज क्यों है आपके ऊपर? आई एम जस्ट अ ड्यूटी पर्सन सर, आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड। नहीं तो कंपनी चल रही है, हम देख रहे हैं इतनी गाड़ी है, स्टाफ है, सिक्योरिटी है, सबका पैसा आप दे रहे हो, बैंक का क्यों नहीं दे रहे? सो यू कैन कम लेट, आपकी सैलरी हो रही है? बहाने थोड़े कन्विंसिंग लगाओ, मेरा सैलरी नहीं वैसे बोल रहे हो, आई डोंट नो एनीथिंग, क्या करने वाले हो आप? तो फिर आप क्यों, आपका गुजारा कैसे चलता है घर का? करे क्या सर, पेंशनर है, राइट ना, चलाते हैं। यहां से निकलकर काफिला पहुंचा चौथी डिफॉल्टर कंपनी साई इन्फो सिस्टम्स के पास, लेकिन हमें वहां मिला ये नजारा, ना कोई ऑफिस ना कोई कर्मचारी, लेकिन कर्ज 750 करोड़ रुपए का, जिसमें 71 करोड़ इलाहाबाद बैंक के भी शामिल है। तो दरवाजे पर ही फूल लगाकर चले आए। बैंक कर्मचारियों की लोन रिकवरी की ये अहिंसावादी कोशिश कितनी कारगर होगी? क्या कंपनियां लोन वापस करेंगी? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो केतन, इस रिपोर्ट में हमने देखा कि बैंक कोशिश जरूर कर रहे हैं, एक कह सकते हैं प्लीजिंग कोशिश कर रहे हैं कि ये कंपनियां कर्ज चुकाएं, और एक नहीं चार कंपनियां हैं ऐसी। एग्जैक्टली जब आप, अगर आपने ब्यौरा किया हो और आप जब इन ऑफिसेज पे पहुंचे हो, तो आपको क्या सेंस मिला? देखिए दीपाली, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से चारों चार कंपनी में एक बात की साम्यता थी कि कंपनी चल रही है, प्रोडक्शन चालू है, कर्मचारी भी आ रहे हैं, उनकी सैलरी भी हो रही है, लेकिन बैंकों को वो पैसे नहीं दे रहे। और बैंक अधिकारी, जो इलाहाबाद बैंक के अधिकारी थे हमारे साथ, वो भी दबी जबान बोल रहे थे कि आप ज़्यादा इसका वो मत करो, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे तो हमारी लोन नहीं वापस करेंगे। तो बैंक का रवैया भी काफ़ी झुलमुल भरा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जितने जिम्मेदार कंपनी है, थोड़े बहुत क्वेश्चन जरूर रेज करता है। जब आपने कहा कि बैंकों के कर्मचारी उल्टा आपको बोल रहे थे कि आप इस तरह से रिपोर्ट मत कीजिए वरना वो नाराज हो जाएंगे, इतने एनफ मसल्स तो हैं बैंक के पास कि वो अपने बोरोवर से रकम वापस ले सके, और जब उनको पता है कि कामकाज हो रहा है, कंपनी बिजनेस कर रही है, एम्प्लॉयज भी हैं, उनको सैलरी भी दी जा रही है, तो उसके बावजूद भी ऐसा रवैया? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी, मान लो कि 1,000 करोड़ का किसी कंपनी के ऊपर बकाया है, तो
बैंक ये चाहेगी कि कम से कम 100, 200, 300 करोड़ आ जाए, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि पूरी रकम उनको वापस मिले। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि बैंक के अधिकारी इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही रवैये के कारण ये कंपनियों को इस तरह के डिफॉल्ट करने का एक मौका मिल जाता है। बैंकों का रवैया भी सुधारने की काफी आवश्यकता है, ये देखने को मिला है। बैंकों का रवैया सख्त होने की जरूरत है ऐसे लेंडर्स के लिए भी। शुक्रिया केतन आपका इस पूरी ही रिपोर्ट के लिए। और एनपी एक्सपोजे में हर रोज हम कुछ ऐसी कंपनियां बताते हैं जिन्होंने भारी कर्ज लिया बैंकों से लेकिन चुकाना नहीं चाहती है। लेकिन आज के परफॉर्मिंग स्टॉक्स में है मोनसेंटो, जो कि कल आपको फास्ट मनी शो में मनीष ने बताया था एज अ सुपरहिट शेयर। कल भी ये 17% चला और अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों पर 16-17% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। जोरदार तेजी आई है इस शेयर में, दो दिनों में शेयर 32% उछला है और अभी भी 333 रुपए की बढ़त लेकर 2382 रुपए पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो देखिए हर रोज फास्ट मनी सुबह 7:30 से 8 के दौरान, जहां पर 20 ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताई जाती है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। ये कल फास्ट मनी शो का सुपरहिट शेयर था। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और फटाफट से कुछ क्वेरीज और ले लेते हैं। और एक सवाल है हमारे पास कपिल का, राजस्थान से। बीएफ यूटिलिटीज पर 100 शेयर्स हैं 580 के प्राइस पर। मिस्टर महाजन आपके कमेंट्स बीएफ यूटिलिटीज पर। दी स्टॉक हैज बीन वेरी इरेटिक एज फार एज दी मार्केट इज कंसर्न्ड। दी नंबर्स आर आल्सो दे कंटिन्यू टू बी वेरी इरेटिक। दे हैव गॉट अ कोर्ट केस पेंडिंग, उसी के रहते न्यूज फ्लो के ऊपर द स्टॉक कंटिन्यूज टू मूव अप और डाउन। दिस इज सच स्टॉक शुड नॉट बी देयर इन द पोर्टफोलियो, एज अ रिजल्ट रिकमेंड एग्जिट। जी चलिए इसके अलावा कुछ और अर्निंग्स पर बात कर लेते हैं। और आज पूरे ही टेक्सटाइल स्पेस में जोरदार खरीदारी दिखी है और दो स्टॉक्स हैं जो दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, उनमें एक है सस्टू टेक्सटाइल और दूसरा है आरएसडब्ल्यूएम, और दोनों के ही नतीजे अच्छे रहे हैं। लेकिन प्रिसाइसली यहां पर बात करते हैं सतलू टेक्सटाइल की, जहां पर मुनाफा 78% बढ़ा है, 27 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ रहा है और एबिटा फ्रंट पर भी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है और आय में भी 17% का उछाल आया है। और इन्हीं अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए मिस्टर दिलीप घुरावत हमारे साथ मौजूद हैं, सीएफओ हैं सतलू टेक्सटाइल के। दिलीप जी गुड मॉर्निंग, कंग्रेचुलेशंस, अच्छे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये होगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी में 78% का इंप्रूवमेंट दिखा है, उसमें जो की कंट्रीब्यूशन आया है वो किस सेगमेंट से आया है, और प्रिसाइसली यार्न और फैब्रिक सेगमेंट वहां ग्रोथ कैसी रही है इस बार? गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ग्रोथ, हमारी ग्रोथ बेसिकली यार्न में, कॉटन मिलान यार्न में आई है और हमारी होम टेक्सटाइल की टोटल टर्न अराउंड हुई है। प्लस हम लोग ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू कैपेसिटी एक्सपांशन इन स्पिनिंग एंड होम टेक्सटाइल्स में हमें बहुत हमारे योगदान रहा है इन दोनों डिविजनों का हमारी ग्रोथ के लिए। हमारी होम टेक्सटाइल की टोटल टर्न अराउंड हो गई है। लास्ट ईयर हमारा इस डिविजन से लॉस था और इस साल हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने प्रॉफिट 7 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। हेंस वी आर सीइंग ए मोर अपॉर्चुनिटी इन होम टेक्सटाइल। जी दिलीप जी, आपने कहा कि होम टेक्सटाइल डिवीजन में काफी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है और आपने जिस तरह से प्रिसाइसली मेंशन भी किया कि बीते क्वार्टर के मुकाबले अगर इस बार की परफॉर्मेंस देखें तो एक टर्न अराउंड हुआ है। तो एग्जैक्टली पहला तो कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आपका इस प्रिसाइस यूनिट से आता है, फिर सेगमेंट से आता है, और अब ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आने वाले क्वार्टर्स में क्या रह सकती है? और दूसरा ये स्पिनिंग यूनिट का आपने कहा कि आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, तो अभी यूटिलाइजेशन लेवल कैसा है वहां पर? स्पिनिंग में हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95% एंड अबव है एंड वी आर प्लानिंग टू गो टू अप टू 96%। इन कैपेसिटी एक्सपांशन हम वी आर स्पेंडिंग 270 करोड़ फॉर कॉटन विलांच इनटू डाइड यार्न सेगमेंट विच इज अगेन अ वैल्यू एडिशन निश प्रोडक्ट। होम टेक्सटाइल में मार्च 16 में हमने 100 करोड़ का, वी हैव अ टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और हमारी कैपेसिटी हम 9.6 मिलियन मीटर्स मार्च में कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारी और ग्रोथ होम टेक्सटाइल में आएगी गोइंग फॉरवर्ड। जी दिलीप जी, एक और चीज, एक्सपोर्ट्स इस क्वार्टर में कैसे रहे हैं और एक्सपोर्ट ग्रोथ कैसी नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से कॉटन प्राइसेस अब थोड़ा सा उछले हैं, ऐसा एक जेनरिक व्यू जरूर आ रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं ओवरऑल कॉटन के, वो थोड़ा सा यहाँ पर डिप हो सकते हैं, तो उससे कुछ आप इम्पैक्ट देखते हैं अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ पर और एग्जैक्टली फिगर्स कैसे आए हैं इस बार?
एक्सपोर्ट ग्रोथ में दिस 15-16 में हमारी 26% इंक्रीज आई है और एक्सपोर्ट क्वांटिटी में अबाउट 40% ग्रोथ आई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं डाइड यान में, हेंस हम वेरी निश मार्केट में जा रहे हैं जहां हमें अच्छा फायदा और मुनाफा मिलता है। कमिंग टू कॉटन प्राइसेस थोड़े अभी रिड्यूस हो गए टू 35,000 पर कैंडी और कॉटन चाइना की पॉलिसी नहीं आ चुकी है, थोड़ा स्लगिशनेस कॉटन के दामों में आएगा। अगर गुड मानसून आते हैं विच आज प्रेडिक्ट हो चुका है कि मानसून अच्छे आने वाले हैं और 7th पे कमीशन आएगा, ORP आएगा, ये पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिमांड ट्रिगर होगा इस साल और गोइंग फॉरवर्ड। चलिए शुक्रिया दिलीप जी, आपने बातचीत की जी बिजनेस से अर्निंग्स पर और फ्यूचर आउटलुक भी आपने शेयर किया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। शुक्रिया आपका। विवेक और कुणाल आप दोनों का भी शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को एड्रेस करने।